फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को हरे मक्के की टिक्की बताने जा रही हूँ। आप लोग भी बनाइए और सबको खिलाइए। अब ये मक्के को छील कर और इसको जो हम दो बार खूब धुले हैं सफाई से, धुलने के बाद आधा घंटा पानी में इसको नॉर्मल पानी में भिगो दिया गया है और उसके बाद से अब ये छन्नी से छान लिए हैं। अब इसको जा रहे हैं मिक्सी में डाल के पीसने के लिए और इसमें जो जो सामग्री पड़ेगी उसको हम बताने जा रहे हैं। ये हम लिए हैं गरम मसाला, ये धनिया की पत्ती है, ये किशमिश है भरने के लिए, ये हरी मिर्च है। इसमें हम थोड़ा बॉयल आलू भी डालेंगे, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हो वो ना डालना पसंद करें तो ना डालें। और ये नमक है, ये गरम मसाला है, हल्दी है और इसमें थोड़ा हींग लिए हैं और काली मिर्च लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम 2 चम्मच अरारूट का प्रयोग करेंगे, उससे हमारा रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगा। अदरक का प्रयोग करेंगे, इसको हम बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये लहसुन, एक लहसुन है बड़ा, उसको छील लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसको पीसने का काम करेंगे। दरदरा पीसा जाएगा तब टिक्की बढ़िया होगी, बहुत बारीक नहीं पीसना है। अब इसको पीस के तब हम फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या सामान। अब इसको पीसने जा रहे हैं, इसमें हम मिर्चा और ये लहसुन साथ साथ पीस लिया जाएगा। अब ये हम अपने स्वाद के अनुसार, जैसे कोई तीखा खाता है कोई हल्का खाता है, तो इतना मिर्ची हम डाल दिए इसमें। और ये लहसुन भी इसी के साथ हम पीस लेंगे। इसमें हल्दी भी डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी है, हल्दी का पाउडर है 1 चम्मच। से अगर गीला हो जाए थोड़ा सा छन्नी से छान लीजिएगा, उसका पानी निकालिए, टिक्की बढ़िया बन जाएगा। अगर सूखा पिसा जाए तो और अच्छा है। अब इसमें आलू का कद्दूकस करके इसमें आलू थोड़ा हम डालने जा रहे हैं। अब इसमें 2 चम्मच अरारूट डाल देंगे, अरारूट पाउडर है ये 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। 2 चम्मच डालने से कुरकुरा हो जाएगा। अब इसमें नमक डालना है, नमक लास्ट में डालेंगे, पहले सब मैश कर लें। अब इसमें दाल में थोड़ा हम गरम मसाला मिलाएंगे, ये गरम मसाला मिला लिए। अब इसके बाद से ये हींग थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, क्योंकि मक्के का है, हींग डाल दिया जाता है। अब ये काली मिर्च हम डाल देंगे इसमें, काली मिर्च मक्के में बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है। अब उसके बाद से हम सबसे लास्ट में इसमें हम नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा कर दीजिए, जो जिसको जैसा पसंद हो, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। अब मैश करने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल रहे हैं, अभी तैयार हो गया है। अब टिक्की बनाने जा रही हूँ। टिक्की बनाने बनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें हम अदरक, धनिया और किशमिश थोड़ा अंदर डाल के भर देंगे। ऐसे भरने के बाद से इसको बंद करके सुंदर सुंदर ऐसे दबा दबा कर ये टिक्की हम बना। अब ये टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब हम जा रहे हैं इसको कढ़ाई चढ़ाने और इसको अब तल के आपको दिखाने जा रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के बराबर तेल डाल देंगे।
वैसे तो हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं क्योंकि सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। मीठा मीठे के लिए प्रयोग करते हैं देसी घी, और पकौड़ी वगैरह के लिए टिक्की उक्की के लिए ये सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। अब जाए कढ़ाई में पूरा, तब उसके बाद आंच धीमी करके इसको डालना है। अब मेरा तेल गर्म हो गया है, अब धीमा आंच करके अब इसमें टिक्की डाल दूंगी। अब ये एक तरफ का मेरा पक गया है, अब इसको हम पलट देंगे ऐसे। देखिए कितना आसानी से कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है और कितना सुंदर टिक्की तैयार हो गई है। जरा से कढ़ाई में कहीं टिक्की चिपक नहीं रही है, अब बहुत बढ़िया खस्ता, देखने से तो बहुत खस्ता लग रहा है, अब खाने से पता चलेगा ये तैयार हो गई। अब इसको हम सब पलट दिए हैं, अब धीमे धीमे आँच पर इसको हम पकाएंगे। अब ये हरे मक्की की टिकिया तैयार हो गई है और ये बहुत ही कुरकुरी बनी हुई है, इसको तोड़ के दिखा रहे हैं, अंदर से बहुत बढ़िया पक गया है ये, और खाने में बहुत टेस्टी है। ये किचन के सामग्री से बना हुआ है, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये हरी चटनी के साथ खाइए या टमाटो सॉस के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,